हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता फैशन वर्ल्ड। तो यस, आज आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग सही होंगे, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तभी वीडियो टाइम टू टाइम लाती रहती हूँ। तो बात करते हैं वीडियो के टॉपिक की, टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले आज मैं आपको वीडियो का टॉपिक बता देना चाहती हूँ, आपको ज़्यादा सब्र नहीं कराऊंगी। तो वीडियो का जो टॉपिक है आज, वो होने वाला है मेहंदी हेयर स्टाइल। मैं इसमें दो एक्साइटेड मेहंदी हेयर स्टाइल लाई हूँ, जिसको देख के आप दीवाने हो जाने वाले हैं और आप यही बनाने वाले हैं अपनी शादी में। इतना लो बजट है कि आपको एक 10 रुपए की चीज भी इसमें नहीं खरीदनी, आपके घर की चीज से बन जाने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वरना इंपॉर्टेंट चीज जो है वो छूट जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक एक मोटिवेशन का काम करता है। दैट्स व्हाई कि लाइक करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है? और वीडियो को पूरा देखा करिए। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो तो चल ही रही थी, थोड़ी सी बात मैंने आपसे कर ली है, तो अब मैं बता देती हूँ वीडियो में होने क्या वाला है। सबसे पहले तो मैंने आगे के बालों को निकाल लिया है, आप भी अपने आगे को बालों को निकाल सकते हैं अगर आपका मन है तो। वैसे तो निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा लगने वाला है। इसके बाद आपको साइड से, कॉर्नर से, कान के पास से थोड़े से बाल लेके वहाँ पे 3 प्लेट्स करनी है। उसके बाद ब्लैक रबर का ही यूज़ करना है, मैं आपको कंपलसरी बता रही हूँ ब्लैक रबर। आप ब्लैक रबर के अलावा कोई और रबर बैंड का यूज़ बिल्कुल ना करें। अगर आप ब्लैक रबर बैंड के अलावा दूसरी रबर का यूज़ करते हैं तो वो दिखेगी, और वो दिखेगी तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगी। तो मैंने एक तरफ से तो कूद के चोटी कर ली है, 3 प्लेट्स कर ली है, वही सेम चीज़ और सेम प्रोसेस मैं दूसरी साइड अपना रही हूँ। मैं वापस से यहाँ पे ईयर के पास से, कॉर्नर से बाल निकाल के वहाँ पे 3 प्लेट्स कर रही हूँ। आगे के बालों को जो है मैंने रबर बैंड से टाई कर लिया है, वरना वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है सब कुछ, इसलिए मैंने उन्हें आगे से कर लिया है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला अपनाइए, वरना आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना? तो 3 प्लेट्स तो मैं कर रही हूँ, यहाँ पर भी मैं ब्लैक रबर का ही यूज़ करूँगी। जैसा कि मैंने बोला, हमें अपने बालों को कलरफुल तो डेफिनेटली नहीं करना है यहाँ पे। तो मैंने खुद की चोटी कर ली है और रबर बैंड भी यहाँ पे लगा रही हूँ। आप रुको ज़रा, देखते हैं करना क्या है। तो रबर बैंड तो मैं लगा ही रही हूँ, धीरे धीरे चल रहा है काम, अपना चलता ही जा रहा है एकदम। तो हमें क्या करना है, हमें इन्हें क्रॉस करना है, इधर का इधर ले जाना है, इधर का उधर ले जाना है, ऐसे ही क्रॉस करना है। वीडियो में देख पा रहे हैं तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे एक बात और कि हमें यहाँ पे बॉबी पिन का यूज़ करना है, वरना वो वाली टिकटॉक जो पिन्स आती हैं वो दिखने वाली है। तो मैंने बॉबी पिन से अच्छे से टैग कर लिया है, अब वही प्रोसेस में सेम दूसरी साइड भी ले जाऊँगी। अब माला तो सबके यहाँ डेफिनेटली मिलती है, और नहीं है तो आप 20 रुपये की बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमें इसे डेफिनेटली गले में तो नहीं पहननी है, आज हम इसे बहुत सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं। तो हम आज इसे अपने बालों में लगाने वाले हैं, जहाँ पर हमने प्लेट्स को क्रॉस किया वहीं पर, ताकि ये एक बहुत सुंदर सा प्यूरल हेयर स्टाइल के लुक में आपके सामने आने वाला है। तो देखिए, मैंने इसे अपने प्लेट्स के साइड में लगाया, अगर आप चाहें तो इन्हें प्लेट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें प्लेट्स के आगे, जहां भी आप कंफर्टेबल हो आप इन्हें वहां लगा सकते हैं। पर मैं पीछे कंफर्टेबल थी अपने क्रॉस से, तो मैंने वहीं पर लगाया। अब हमें इसे पीछे से ले जाकर रबर से टैग कर देना, वरना ये खुलेगा। अगर आप रबर लगा देंगे तो ये खुलने वाला डेफिनेटली नहीं है। खुलने के बाद, क्योंकि हमने इसे पीछे किया है गर्दन से और उसके ऊपर हमारे बाल हैं, तो दिखेगा भी नहीं कि वो गया कहाँ, और वो पीछे बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। तो देखिए, हेयर स्टाइल तो बन गया, मुझे तो बड़ा ही खूबसूरत लगा, और मैं भी कहीं जाने वाली हूँ तो यही हेयर स्टाइल अपनाने वाली हूँ। सो आई होप कि आपको भी ये हेयर स्टाइल बहुत पसंद आया होगा। बालों को मैंने आगे से खोल लिया है, और इनका लुक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रिटी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया। तो अगर आप भी इसे ट्राई करेंगे तो आपके ऊपर भी बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर मेरा हेयर स्टाइल पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो डेफिनेटली मत भूलेगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था कि आज वीडियो में दो एक्साइटेड हेयर स्टाइल होने वाले हैं, बिल्कुल मेहंदी सीरीज है तो मेहंदी के ही होने वाले हैं। एक तो मैं बना चुकी हूँ और एक आपने को नहीं देख लिया है। बढ़ते हैं दूसरे हेयर स्टाइल की तरफ। ओके, शो ऑफ तो बहुत कर लिया अपने हेयर स्टाइल का, अब चलिए टाइम तो वेस्ट नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्टाइल मार लिए हैं, बहुत ज़्यादा लुक दिखा दिए हैं आपको। अगर आपने लिपस्टिक वाली लाइनर लिपस्टिक की अगर हैक नहीं देखी है तो आप बिल्कुल मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके उसके शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे हेयर स्टाइल में, हाफ बन बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें अपने बालों को हाफ पार्ट में डिवाइड करना है। इसके बाद हमें एक पोनीटेल करनी है, बिल्कुल मैं भी पोनीटेल कर रही हूँ, आप भी पोनीटेल ही कीजिएगा और कुछ मत करने लगेगा, ठीक है? आप भी सोच रहे होंगे कि वीडियो इतनी तेज़ क्यों भाग रही है। एक्चुअली वीडियो इसलिए तेज़ भाग रही है क्योंकि अब ज़्यादातर जो सर्दी है वो ख़त्म हो गई है, मैं छत में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पर धूप हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा चुभ भी रही है। तो नीचे अगर मैं रिकॉर्ड करूँगी ना तो यहाँ कबाड़ी वाली सब्जी
एनर्जी वाले, ऐसी वॉइस आके आपको भी प्रॉब्लम होगी और मुझे भी रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि धूप तो मुझसे डेफिनेटली अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीने भी आने लगे हैं अब तो। तो चलिए बढ़ते हैं, क्या करना है, हमने हाफ तो पोनीटेल कर लिया है, इसके बाद हमें ब्रेड्स करने हैं, 3 प्लेट्स करने हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं 3 प्लेट्स कर रही हूँ, अगर आपने मेरा लाइनर लुक नहीं देखा है तो उसकी भी शॉर्ट्स मेरे चैनल पर बिल्कुल अवेलेबल है, आप शॉर्ट्स के चैनल पर जाके वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए मैंने प्लेट्स तो कर ली, यहाँ पर भी ब्लैक ही रबर का यूज़ करना है, हमें कलरफुल बिल्कुल नहीं करना है अपने बालों को। चलिए देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो अब मैं इसको बहुत पतली पतली लेयर के साथ खींचूंगी, जिससे यह ज़्यादा हमें, अगर हमारे पतले बाल हैं तो बहुत पतला सारा दिखे, तो हम इसे मोटा बनाना है, मोटा 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 बनाना है एकदम। तो मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा खींच रही हूँ ताकि बहुत सुंदर सा लगे। मेरे पास हेयर वाला स्प्रे नहीं है, डेफिनेटली मैं स्प्रे भी करती तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता। ठीक है, अब हमने इसका बनाना है बन बनाना है, पिन का यूज़ करना है, सारे बालों को अच्छे से टैग करना है, और टाइट से टैग करिएगा, पता चले आप डांस करें या कोई भी एक्टिविटी करें तो खुल जाए, तो ऐसा नहीं करना वरना आपकी इंसल्ट भी हो जाएगी। वैसे तो मैं आपकी इंसल्ट होने नहीं दूंगी, डेफिनेटली मैं हूँ ना, टेंशन मत लियो, आपकी इंसल्ट कहीं नहीं होने वाली है। तो अच्छे से पिन से एकदम टैग करना, वापस से बढ़ते हैं हम अपनी माला की तरफ। डेफिनेटली माला को हम यहाँ भी पहनने नहीं वाले हैं, हमें इससे अच्छे से 4 लेयर में करना है। 4 लेयर में करने के बाद जैसा आपका जूड़ा है उस हिसाब से इसको कर सकते हैं, डबल ट्रिपल ट्रिपल जो भी करना है आप वो कर सकते हैं अपने जूड़े के साइज़ के हिसाब से। तो मैंने 4 बार किया है, देखिए अब मैं यहाँ पे पिन से इसे टैग कर रही हूँ, बहुत अच्छे से टैग करना है, ऐसा ना हो कि आपकी ये माला खुल जाए। डेफिनेटली अगर आप इसे चाहें तो आप गले में पहन सकते हैं, पर गले में यहाँ बिल्कुल नहीं पहनना, मेरा गले में पहनने का कोई इरादा नहीं था। मैं इससे एक सुंदर सा हेयर स्टाइल लेके आई हूँ जो आपको अच्छा भी लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पहले भी बोल चुकी हूँ दोबारा बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग नहीं करते हैं, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ऐसे थोड़ी ना होता है, कुछ तो करना पड़ता है ना। तो देखिए बन तो बन के तैयार हो गया, अब आप ही एक लाइक जल्दी से कर ही दीजिए ना। चलिए मैं वापस से यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल मार लेती हूँ और आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।